अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 20 है हमारा MCOM 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक हम बच्चों पढ़ रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 17। तो बच्चों इसको रीड कर लेते हैं इसमें और ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में भी आ चुका होगा, ठीक है। करा जी, अर्ल ई बर्ड हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट सेविंग फॉर हिज रिटायरमेंट बिगनिंग ऑन हिज 21st बर्थडे। जी बच्चों, अर्ल ई ने जो है वो प्लान बनाया कि वो जो है वो कुछ अमाउंट सेव करेगी और उसने जो है वो सेविंग अपनी 21st बर्थडे से जो है वो स्टार्ट करनी है। अर्ल्स प्लान टू इन्वेस्ट 2000 ईच बर्थडे इनटू अ सेविंग इन्वेस्टमेंट। जी बच्चों, हर बर्थडे के ऊपर मतलब हर साल के एंड पे। जी बच्चों, बर्थडे आपको पता है साल के एंड पे मनाई जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डिनरी एनुअलिटी की बात कर रहे हैं कि अर्ल प्लान टू इन्वेस्ट 2000 ईच बर्थडे इनटू अ सेविंग इन्वेस्टमेंट अर्निंग का 7% कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर साल वो 2000 रुपया जो है वो इन्वेस्ट करेगी जहाँ से उसको 7% जो है वो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ही विल कंटिन्यू दिस सेविंग प्रोग्राम फॉर अ टोटल ऑफ 10 ईयर्स। जी बच्चों, 10 सालों तक वो ये पैसे जमा करवाती रहेगी एंड देन स्टॉप मेकिंग पेमेंट। उसके बाद जो है वो मज़ीद जो है वो पैसे जमा करवाना वो बंद कर देगी। बट हिज सेविंग विल कंटिन्यू टू कंपाउंड एट 7% फॉर 35 मोर ईयर्स। लेकिन बच्चों, वो 10 सालों के अंदर जितने भी पैसे उस अकाउंट में जमा हो जाएंगे वो उन पैसों को विदड्रा नहीं करेगा। जी बच्चों, तो वो उन पैसों को विदड्रा नहीं करेगा बल्कि उसको उस अकाउंट में ही रहने देगा और उसके ऊपर उसको 7% इंटरेस्ट मिलता रहेगा मज़ीद 35 सालों तक। ठीक हो गया बच्चों। असल में दो पोर्शन है इसके, पहले तो 10 सालों तक ये एनुअलिटी बनेगी, 10 सालों तक वो कंटिन्यूली 2000 रुपया जमा करवाता जाएगा। उसके बाद 10 सालों के अंदर जितने भी पैसे जमा हो जाएंगे वो अकाउंट में से विदड्रा नहीं करेगा बल्कि वो अकाउंट में पड़े रहेंगे और उसके ऊपर जो है वो उसको 7% इंटरेस्ट मिलता रहेगा मज़ीद 35 सालों तक। ठीक हो गया। अनटिल अर्ल्स रिटायर एट एज 65, जब उसकी एज 65 हो जाएगी फिर वो उसको विदड्रा करेगा। तो ये बच्चों एक आदमी हो गया। दूसरा जी, इवाना वेट आल्सो प्लान, ये दूसरा पर्सन है, प्लान टू इन्वेस्ट 2000 आ ईयर ऑन ईच बर्थडे। जी बच्चों, इवाना ने प्लान बनाया कि वो भी 2000 रुपया हर अपनी बर्थडे के ऊपर इन्वेस्ट करेगा एट 7% एंड विल डू सो फॉर अ टोटल ऑफ 35 ईयर्स। लेकिन इसका प्लान उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसने 10 साल पैसे जमा करवाए और उसके बाद मज़ीद पैसे जमा करवाना बंद कर दिए, वो पैसे अकाउंट में पड़े रहे, उस पर जो है वो मज़ीद 35 सालों तक उसको इंटरेस्ट मिलता रहा। लेकिन बच्चों, इवाना ने क्या प्लान बनाया, उसने प्लान बनाया कि वो हर बर्थडे के ऊपर 2000 रुपया जो है वो जमा करवाएगा और वो 35 सालों तक कंटिन्यू पैसे जमा करवाता जा रहा है, ठीक है। उसने बीच में जो है वो ब्रेक नहीं लगाई, वो 35 सालों तक हर साल 2000 रुपया जमा करवाता जा रहा है। हावर शी विल नॉट बिगिन हर कंट्रीब्यूशन अनटिल हर 31st बर्थडे। तो 31वीं जो उसकी बर्थडे है वहाँ से उसने स्टार्टिंग करनी है। How much will Earl's and Ivana's saving program be worth at the retirement age of 65? तो कह रहा है कि दोनों के पास जब वो रिटायर हो जाएंगे 65 की एज में, दोनों के पास कितने कितने पैसे जमा होंगे। Who is better off financially at retirement and by how much? तो कह रहा है दोनों में से कौन बेहतर होगा और कितना होगा बेहतर। तो बच्चों इसके दो पार्ट हैं, तो दो इसमें हमने सबसे पहले तो अर्ल ई बर्ड का जो है वो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब वो रिटायर्ड होगा उसके पास कितने पैसे होंगे, मतलब इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है जब उसकी एज 65 हो जाए। तो इसमें दो प्लान है अर्ल, ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 17 है। क्या नाम था बच्चों इसका, अर्ल्स प्लान, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है इसकी, बच्चों देखिए जी, ये हमारे पास पहले तो वो एनुअलिटी जमा करवा रहा है तो इसकी हम निकालेंगे
फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी आई इंटू एन। अच्छा बच्चों ये तो हो गया उसका 10 साल होता ये एनुइटी जमा करवाएगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद उसने पैसे जो है वो जमा करवाना छोड़ दिए, लेकिन पैसे जो है वो कंटिन्यू जो है वो रहेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो मतलब अगले जो है वो 35 सालों के अंदर, इसको आप पहले 10 साल वो पैसे जमा करवाता जा रहा है और उसके बाद मजीद जो है वो उसने 35 साल उसको अकाउंट में छोड़ दिया। तो ये इस तरह से होगा बच्चों, इसका एक पोर्शन जो है वो एनुइटी है और इसके साथ ही दूसरा जो इसका पोर्शन है वो सिंपल बन जाएगा। तो इसी को बच्चों आपने क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल के साथ भी आपने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसके बच्चों दो पोर्शन है, ठीक है, ये इस तरह से हल होगा। तो इसको अब आपने इस तरह से याद रखना है कि अगर आप जो है वो कुछ टाइम के लिए पैसे जमा करवाते हैं एनुइटी के अंदर और फिर उसके बाद जो है वो आप पैसे जमा करवाना बंद कर देते हैं, लेकिन पैसे जो है वो अकाउंट के अंदर ही पड़े रहेंगे। तो इसके बच्चों ये दो पोर्शन बन रहे हैं, देखिए ये पहला आपका एनुइटी बन रहा है, इसको आपने एनुइटी वाले फार्मूले से बच्चों सॉल्व कर लें, लेकिन पैसे बच्चों आपने विदड्रा नहीं करवाए। तो इसका जो नेक्स्ट पोर्शन बनेगा 35 ईयर्स नेक्स्ट, वो आपका सिंपल बन जाएगा। तो आपने इसके अंदर इस तरह से दो फार्मूलों के साथ जो है वो फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते बच्चों। हर साल वो कितने पैसे जमा करवा रहा था, 2000, तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी। आई हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% है और एन जी बच्चों एनुइटी के अंदर 10 था हमारे पास, और फिर उसके आगे दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल में, उसमें भी बच्चों 7% ही रहेगा इंटरेस्ट रेट और एन कितना हो जाएगा 35। जी बच्चों तो ये अब आपने टेबल से जाके जो है वो फैक्टर देखने हैं, बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो नई चीज़ सीखी है वो ये कि अगर हमारे पास जो है वो एनुइटी और फिर हम उसको जो है वो अकाउंट में अगर रहने देते हैं आगे वो सिंपल बन जाएगा। तो आपने पहले एनुइटी वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपने उसको सिंपल वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये फैक्टर देखते हैं बच्चों टेबल में से जाके 2000, तो ये पहले वाला हम देखेंगे फ्यूचर वैल्यू एनुइटी वाले टेबल से, ये आपके पास बच्चों फ्यूचर वैल्यू सिंपल का टेबल है और इसके आगे प्रेजेंट वैल्यू। जी बच्चों ये फ्यूचर वैल्यू एनुइटी 7% के ऊपर, ये आपके पास 7% है और इसमें आपने बच्चों ये टेबल में देखना है, लेकिन यहाँ पे टेबल में ये वाजिया तौर पे नज़र नहीं आ रहा बच्चों। बच्चों ये बुक से मैं टेबल से आपको देख के बताता हूँ, वहाँ पे जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। आपके पास टेबल बच्चों होगा, आप अपना टेबल सामने रखें। तो ये बच्चों हमारे पास फ्यूचर वैल्यू एनुइटी का टेबल है, इसमें आपने बच्चों 7% के ऊपर देखना है, ये 7% के ऊपर आपने 10 ईयर्स में, ये 5 और ये 10 ईयर बच्चों आ रहा है, ये 13.816, ठीक है बच्चों। ये देखिए 7% पे 10 ईयर्स के अंदर 13.816 आपके पास फैक्टर आ रहा है, 13.816। तो ये आपका एनुइटी का बच्चों फैक्टर हो गया। जी 13.816। अब इसी तरह से बच्चों आपने नेक्स्ट फैक्टर जो है वो देखना, वो आपने सिंपल में देखना है। तो यहाँ पे आपके पास फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 7% के ऊपर, अब आपने 35 ईयर्स के अंदर देखना, लेकिन इसे हम बच्चों देखेंगे सिंपल के अंदर। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर
सिंपल के ऊपर बच्चों ये हमारे पास 7% पे, ये सिंपल वाला टेबल है फ्यूचर वैल्यू इंट्रोस्पेक्टिव सिंपल, 7% पे बच्चों आपने 35 ईयर्स के अंदर, तो ये बच्चों देखें ये 35 ईयर्स हैं, इसके सामने बच्चों आपने ये देखना है 7% के ऊपर, यार आपके पास 10.677, ठीक हो गया बच्चों। इसको वापस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास अच्छा 2000 × 13.816 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10.677, ये मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये आपके पास आ रहा है जी 2,95,026, 2,95,026.86, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास बच्चों फ्यूचर वैल्यू आ गई, तो इसमें हमने ये इसमें जो है वो नई चीज़ सीखी है। अब इसी तरह से बच्चों हम जो है वो अब फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं बच्चों आइवाना वेट की, तो इसमें उसने बताया हुआ है आइवाना वेट आल्सो प्लान टू इन्वेस्ट 2000 अ ईयर ऑन ईच बर्थडे एट 7% एंड विल डू सो फॉर अ टोटल ऑफ 35 ईयर्स। तो बच्चों इसका बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपने 7% पे जो है वो 35 सालों के अंदर जो है वो आपने इसका निकालना है फ्यूचर वैल्यू। बच्चों फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ बच्चों इसमें आपके पास आ जाएगा आर, इसमें आपके पास सिंपल ये वाला फॉर्मूला आएगा, इसमें तो इसमें बच्चों फैक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं आप, और जो है बच्चों वो आपके पास 2000 ही है और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवटी आई जो है वो 7% है और एन जो है बच्चों वो इसमें सिंपली 35 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने ये फैक्टर जो आपके टेबल में से देखना है, एनवटी वाले टेबल में से बच्चों आपने फैक्टर देखना है ये वाला, तो एनवटी वाले टेबल में से देखती हैं 7% के ऊपर आपने बच्चों 7% पे आपने 35 ईयर्स के अंदर, ठीक है, 7% पे 35, ये बच्चों 35 है तो ये आपके पास आएगा जी 138.237 जी बच्चों ये आपका फैक्टर आ जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2000 × 138.237, तो ये आपके पास बच्चों इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 2,76,474 जी बच्चों। तो ये हमने दोनों की फ्यूचर वैल्यू निकाल ली। अब उसने उसने पूछा हुआ था कि दोनों में से बेटर कौन होगा, तो बच्चों इसकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो बन रही है 2,95,026 जबकि इसकी फ्यूचर वैल्यू बन रही है 2,76,474। तो बच्चों इसकी जो है ना वो फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब जो है वो जो अर्ल प्लान है वो बेटर प्लान है, ठीक है। तो इसमें आपने जो है वो स्टेटमेंट लिख देनी है नीचे, ये स्टेटमेंट बच्चों आपने इसके अंदर मैंशन करनी है, अर्ल इन
इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इज वर्थ 18,553। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है अर्ल्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इज वर्थ, इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया है, ठीक है, तो 18,553 मोर एट रिटायरमेंट देन आइवानास प्रोग्राम। ठीक हो गया बच्चों, तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, हमारे पास जो आया जी बच्चों 18,000 यहाँ पे हम लिखेंगे, इन दोनों का बच्चों डिफरेंस लिया हमने, आर ई विल बी बेटर बाय 18,552.86। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपने बच्चों नीचे स्टेटमेंट लिख देनी है कि अल ई जो है वो इतनी अमाउंट से जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है जो वो ज़्यादा आ रही है। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, अगर किसी पॉइंट की बच्चों ना समझ आई हो तो बच्चों पूछ लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।